हाय दोस्तों, अगर आप 20,000 के प्राइसिंग में कोई पावरफुल स्मार्टफोन बाय करने की प्लान कर रहे हैं तो आज मैंने आपके लिए 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किए हैं जो कि 20,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये सभी स्मार्टफोन्स आपके हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पावरफुल चिपसेट मिलेगा जहाँ पर आप काफ़ी कमाल की गेमिंग कर पाएंगे, टॉप नॉच की कैमरा, 6000mAh की पावरफुल बैटरी, साथ ही आपको काफ़ी कमाल का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको ज़बरदस्त वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बजट जो है 20,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी स्मार्टफोन के बारे में रैंकिंग वाइज बात नहीं करेंगे क्योंकि हर एक डिवाइस अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी फीचर्स के साथ में लेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord CE2 Lite 5G स्मार्टफोन के बारे में, जहां पर आपको मिलता है 6.59 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। अब यहां पे जो है कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है ये हमें कहीं भी मेंशन देखने को नहीं मिला। साथ ही इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करिए तो ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ में आता है और वहीं इसका थिकनेस करीब 8.5 mm है। साथ ही इसका वेट 195 ग्राम है। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है बैक साइड की ओर ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप डिलीवर किया गया है जो कि मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा बाकी के 22 मेगापिक्सल की डेप्थ एंड मैक्रो लेंस यूज़ किया गया है जिसे आप बिल्कुल ही यूजलेस कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर आपको OnePlus की तरफ से कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 5000mAh की बैटरी यूज़ किया गया है जहाँ पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को अप्रॉक्स जो है 1 आवर में फुल चार्ज कर पाएंगे। इसके मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का पावरफुल चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के लिए 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। प्राइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग काफ़ी आराम से कर पाएंगे और ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ में आता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 20,000 के प्राइसिंग में मिल जाएंगे जहां पर आपको 6G प्लस 128GB की स्टोरेज दिया गया है। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में OnePlus की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप इसके जगह जो है Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में सेम एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। सो ये दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर जो कि आता है Infinix Zero 5G स्मार्टफोन, और यहाँ पर देखा जाए तो Infinix की तरफ से एस्पेक्ट्स आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त वाली ऑफर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर भी जो है कौन सी प्रोटेक्शन दिया गया है ये हमें कहीं भी मेंशन देखने को नहीं मिला। इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये डिवाइस लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपका इनहैंड फील काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8.8 mm है और वहीं इसका वेट 199 ग्राम है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर भी जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल के साथ में आता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल की टेली फोटो जूम लेंस दिया गया है एंड यहाँ पर एक और आपको 2 मेगापिक्सल की यूजलेस सेंसर मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर जो है 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो Infinix की तरफ से आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी सही की गई है। इसके साथ ही बात करते हैं इसके बैटरी की, तो यहाँ पर 5000mAh का बैटरी यूज़ किया गया है जहाँ पर 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और वहीं यहाँ बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर काफ़ी दमदार वाली चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि MediaTek Dimensity 900 का चिपसेट मिलता है जो कि 6nm बेस्ड है। साथ ही इसके परफॉर्मेंस को और भी इनहेंस करने के लिए LPDDR5 की रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज यूज़ किया गया है, और वहीं आपको 13 ग्लोबल 5G बैंड्स का भी सपोर्ट दिया गया है। तो प्राइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिटरली काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे और ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है। साथ ही प्राइसिंग की बात कर ले तो ये डिवाइस सिंगल ऑप्शन के साथ ही आता है जहाँ पर 8GB के रैम, साथ ही 128GB की स्टोरेज दिया गया है जिसे आप करेंट टाइम में 20,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में अच्छी खासी रैम, साथ ही बड़ी सी डिस्प्ले और वहीं आपको परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच वाली चाहिए तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। ये डिवाइस ऐसे यूजर्स के लिए है जिनको स्टॉक एंड्रॉइड की फील चाहिए। साथ ही स्मार्टफोन मोटो की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये डिवाइस आता है मोटो G82 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको मिलता है 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस की 10-bit POLED वाली डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफ़ी धांसू वाली दी गई है, तो यहाँ पर आपका वीडियो एक्सपीरियंस रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। साथ ही यहाँ पर भी डिस्प्ले के ऊपर कौन सा प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है इसके बारे में हमें कहीं भी ऑफिशियली रूप से देखने को नहीं मिला। और वहीं इसके थिकनेस की बात करें तो इसका थिकनेस करीब 8mm है। साथ ही इसका वेट 173 ग्राम है।
जैसा कि आजकल मोटोरोला अपने स्मार्टफोन के डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ये डिवाइस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट डिज़ाइन के साथ में आता है। साथ ही बैक साइड की ओर आपको पॉलीकार्बोनेट का ही बैक पैनल दिया गया है, और यहाँ पर अच्छी बात है कि वाटर रिपेलेंट का डिज़ाइन मिलता है, तो अगर थोड़ा बहुत पानी के छींटे वगैरह पड़ते हैं तो ये डिवाइस बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। और वहीं सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर मेन सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर आजकल अच्छी बात है कि मोटो अपने स्मार्टफोन के कैमरा पर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। साथ ही स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ में आता है, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही अच्छी बात है कि यह स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, जहां पर डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहां पर आपको ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहीं इसके मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 695 का ही चिपसेट मिलता है, जो कि 6nm बेस्ड है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के लिए टोटल आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट यूज़ किया गया है, तो ये डिवाइस बिल्कुल ही फ्यूचर रेडी 5G स्मार्टफोन है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि मोटो की तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिलता है। साथ ही ये स्मार्टफोन थिंक शील्ड एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी के साथ में आता है, जिससे आपका सिक्योरिटी लेवल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस ब्रांड है वो आपको 6G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में मिल जाएंगे, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो 21,499 है। लेकिन अगर आप करेंट टाइम में SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 1,500 का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को इजिली 20,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में स्टॉक एंड वाइड की फील चाहिए, डिस्प्ले भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त आई है, साथ ही कैमरा भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया वाली देखने को मिलता है, तो आप इस डिवाइस को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, जब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन के बारे में, जहाँ पर सैमसंग तरफ से काफ़ी कमाल के स्पेक्स मिलता है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस की TFT LCD वाली डिस्प्ले। वैसे इस प्राइसिंग में एटलीस्ट जो है IPS डिस्प्ले होना चाहिए था, बट यहाँ पर सैमसंग तरफ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की TFT डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कुछ खास इशू देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, और वहीं COG5 की प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन पॉली कार्बोनेट बैक पैनल के साथ में आता है, साथ ही प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है, और वहीं 9.4mm इसका थिकनेस है। साथ ही इसका वेट करीब 215 ग्राम है, तो ये डिवाइस आपको थोड़ा सा हैवी और थोड़ा सा मोटा फील जरूर से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी 6000mAh वाली यूज़ की गई है। साथ ही स्मार्टफोन साइड की ओर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, जहाँ पर आपको डिटेलिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी के 2 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिलता है, जिससे आप यूजलेस कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट की ओर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जहाँ पर आपको लो लाइट में जो डिटेलिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग सैमसंग की तरफ से कैमरा रियर साइड का आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, बट फ्रंट वाली आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही बात करते हैं इसके बैटरी की, तो यहाँ पर 6000mAh की अच्छी खासी मैसिव बैटरी का यूज़ किया गया है, जहाँ पर अच्छी बात है कि 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट ये चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो है सैमसंग का खुद का चिपसेट, यानी कि सैमसंग की घर की खेती एग्नोस 1280 वाली चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 5nm बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल का मिलेगा, साथ ही आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी ठीक वाली देखने को मिल जाती है, और ये डिवाइस 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस को जो है बेस ब्रांड 6G प्लस 128GB के साथ करीब आप 18,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। तो अगर आप इस प्राइसिंग में सैमसंग तरफ से कोई बेस्ट 5G वाली स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और वहीं आपको एक नॉन चाइनीज ऑप्शन चाहिए, तो आप इस डिवाइस को जरूर से देख सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब लास्ट में बात करी जाए Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में, या फिर आप इसे Poco X4 Pro 5G स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। दोनों ही डिवाइस में आपको सेम एस्पेक्ट्स मिलता है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, ओनली आपको कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, वो भी आपको ऑन पेपर मिलता है। एक्चुअल लाइफ में आपको उतना कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इन दोनों में से जो भी डिवाइस आपको कम के प्राइसिंग में मिले आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, तो वीडियो एक्सपीरियंस आपका रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। और ये डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ में आता है, जहाँ पर अच्छी बात है कि ग्लास बैक पैनल यूज़ किया गया है। और वहीं यहाँ पर आपको IP53 की भी रेटिंग दी गई है,
यानी कि ये डिवाइस अगर थोड़ा बहुत पानी में भीगता भी है तो इसके खराब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। साथ ही इसका वेट 202 ग्राम है और वहीं इसका थिकनेस 8.1 mm है, तो ये डिवाइस आपको थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। और वहीं बात करी जाए इसके सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर भी आपको सेम सभी स्मार्टफोन की तरह ही साइड की ओर ही फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिलता है। बैटरी की बात करिए तो यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ की बैटरी यूज़ किया गया है जो कि 5000 mAh का बैटरी मिलता है। साथ ही 67 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी के लिए 7 5G बैंड्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। कैमरा की बात करें तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर रेडमी की तरफ से कैमरा की हार्डवेयर काफ़ी ज़बरदस्त वाली यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल लाइफ में कैमरा की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इसके अंदर मेन सेंसर जो है 108 मेगापिक्सल का मिलता है, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। और वहीं ये डिवाइस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, साथ ही ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में आता है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसे आप जो है 19999 के प्राइसिंग में बाई कर पाएंगे, जहां पर 6G प्लस 128GB की स्टोरेज यूज़ किया गया है। तो अगर आपको 20,000 के नीचे कोई रेडमी की तरफ से स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, यही था 20,000 के अराउंड आने वाले 5 बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन। वैसे आपको इनमें से जो कौन सा स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट लगा आप हमें जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी हो तो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।